सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। हिमाचल प्रदेश को नया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रूप में मिल गया है। सुक्खू ने राजधानी शिमला के रिज मैदान में सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम का पद संभाला। शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हिमाचल के नए सीएम। छात्र राजनीति से कांग्रेस में एंट्री। वीरभद्र सिंह के विरोधी रहे हैं सुखविंदर सिंह। वीरभद्र सिंह ने कभी नहीं बनाया मंत्री, फिर भी बने प्रदेश अध्यक्ष और अब सीएम का ताज। हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से पर्दा हट गया है। 58 साल के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के अगले सीएम पद की शपथ ली। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल कांग्रेस कैंपेन कमेटी के प्रमुख हैं। नादौन से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। इस बार उन्होंने नादौन सीट से बीजेपी के विजय अग्निहोत्री को 3,363 वोटों के अंतर से हराया था। सुखविंदर सिंह का जन्म 26 मार्च 1964 को नादौन में हुआ था। साधारण परिवार में जन्मे सुखविंदर सिंह सुक्खू के पिता रसील सिंह हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला में ड्राइवर थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और एलएलबी की पढ़ाई की है। 1 जून 1998 को सुखविंदर सिंह सुक्खू की शादी कमलेश ठाकुर से हुई। उनकी दो बेटियां हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रही हैं। सुखविंदर सुक्खू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में तब की थी जब वो सरकारी कॉलेज संजौली शिमला में छात्र थे। अगर उनके राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो 2013 में सुखविंदर सुक्खू हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 2019 तक वो इस पद पर रहे। साथ ही 2003, 2007, 2017 और 2022 में नादौन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए। वो अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और टिकट वितरण कमेटी के सदस्य बने। दरअसल सुखविंदर सिंह और वीरभद्र सिंह के परिवार के बीच सियासी जंग सालों से चली आ रही है। 2013 में कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और सुखविंदर सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तो उन्होंने वीरभद्र सिंह के गुट के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया था। इस बात से वीरभद्र सिंह काफी नाराज हो गए थे और 2017 विधानसभा चुनाव से पहले हालात इतने बिगड़ गए थे कि वीरभद्र सिंह ने घोषणा कर दी कि वो इस साल चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि सुक्खू और राजा साहब की इस लड़ाई में वीरभद्र सिंह की जीत हुई थी। पार्टी ने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत हासिल नहीं हो पाई थी। खैर, हिमाचल के मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कंधों पर कांग्रेस के चुनावी वादों को पूरा करने और हिमाचल को कर्ज से उबरने जैसी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।